नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक परिवार खड़ा हुआ है, पिछले दो दिन से परेशान है। जानेंगे क्या हुआ है, क्या है मामला। हमारे साथ है ममता जी, ममता शुक्ला जी, इनसे पूछेंगे। ममता जी, क्या हुआ है? मैम, शाम को घर से गए बुधवार को 7:30 बजे और आपके हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। उसके बाद फिर घर से निकले ड्यूटी के लिए। क्या नाम था इनका? राजेश शुक्ला। हाँ जी। तो राजेश जी बुधवार को निकले? बुधवार को निकले हैं शाम को 7:30 बजे। क्या ड्यूटी करते थे शाम को? सिक्योरिटी गार्ड थे। कहाँ पर? 25 में, 25 सेक्टर में। कौन सी कंपनी में? कंपनी पांचाल कंपनी। पांचाल कंपनी? हाँ जी। और वहाँ से 25 नहीं गए, डायरेक्ट ड्राइवरी मोड़ यहाँ आए दारू के ठेके पे, मकान मालिक के छोरा के साथ। अच्छा। उसके बाद फिर दोनों लोग दारू पिए, अब गाड़ी यहाँ खड़ी, हेलमेट यहाँ खड़ा। उसके बाद फिर अब गाड़ी से दोनों लोग इधर गए, अब जब से आए नहीं, तब से वापस नहीं आए हैं। कंपनी वगैरह में पूछताछ करी आप? पूछताछ कर ली मैम, कहीं नहीं मिल रहे। और जो जिसके साथ वो आए थे, क्या नाम है उसका? उसका पवन भाटी नाम है। पवन के साथ जो वो आए थे, पवन से पूछा आपने कहाँ छोड़ा, कैसे छोड़ा? हाँ, उसको पूछी तो कह रहा है कि मैं दिया दारू और 200 रुपया दिया, मैं चला गया, आप पता नहीं कहाँ गया। नहीं तो छोड़ा कहाँ पे? 200 रुपए देने के बाद 200 यहाँ छोड़ा या कहीं और छोड़ा, ये नहीं पूछा आपने? नहीं मैम, ये सब बता ही नहीं रहा है, कह रहा मैं छोड़ के मैं अपने CNG डलाने चला गया। बस मुझे यही सूचना मिलनी चाहिए कि किसके साथ कहाँ गया है, बस मिल जाए। मतलब छोड़ दिया, पर इंसान ये तो कहता है कि मैंने ठेके पे छोड़ा या मैंने किसी पेट्रोल पंप पे छोड़ा, कोई जगह बताई होगी या ऐसी छोड़ दिया सड़क पे? सड़क पे भी अगर इंसान छोड़ता है तो ये दुकान थी, ये दुकान था, कुछ ऐसा बताया कहाँ छोड़ा? नहीं बोले, सड़क पे ही छोड़ दिया था मैं। इसी सड़क? मैं मकान मालिक। अच्छा, कहाँ? अच्छा, मेरा फोन आया था उनका कि मेरे को 200 रुपए अर्जेंट चाहिए। मैंने काम किया, अगर अर्जेंट है, मैं यहीं था पास में ही, मैं आया, मैंने दे दी, मेरा 500 के थे, करा 500 दे दे, मैंने 500 नहीं है। फिर करा कोई बात नहीं, मेरे को 500 दिला दे। पौवा लिया था उसने, 25 जो भी आता 45 का वो लिया, अपना पानी वानी लिया। फिर मैंने अपनी बकाड़ी लेकर उसे 200 रुपए दे अपना चल दिया। वो मेरे पीछे पीछे आया, करे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। यही सड़क पे ही? इसी, वही मैं पूछ रही थी ना, जगह कौन सी थी, कहाँ छोड़ा? यही मिले थे। फिर कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैं तो आगे जा रहा हूँ। करा चल तो मेरे को वहाँ तक उतार दे। मैंने ठीक है, मैंने आगे जाके मतलब रेडी वेडी लगती, मैंने वहाँ उतार के अपना चला गया। फिर मैं, मेरे को खुद पता नहीं, फिर इन्हें मेरे को सुबह बताया तो मेरा फोन आया था। मैंने कहा मेरा फोन आया था, ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा था। जब मेरे को पता चली गई गुमशुदा है, ये कह रहे हैं ड्यूटी नहीं पहुंचे हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, बस इतनी बात हुई थी हमारे बीच। क्या उम्र थी इनकी? मैम 40-14। हाँ, मोबाइल लेके गए, मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल भी नहीं मिला। तभी से स्विच ऑफ जा रहा है या बाद में जाके हुआ? नहीं, तभी से स्विच ऑफ जा रहा है। एक बार फोटो दिखा दें। फरीदाबाद, जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये राजेश शुक्ला जी हैं, ये पिछले दो दिन से लापता है, अपने घर से निकले थे, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं सेक्टर 25 में, अपने घर से निकले थे और घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, ड्यूटी न जाके वो अपना ठेके पर आए, शराब पीकर वो कहीं लापता हो गए हैं। और दो दिन से परिवार परेशान है। और कंप्लेंट वगैरह लिखा दी? हाँ मैम, कंप्लेंट लिखवा दी, लिखा दी, कंप्लेंट भी करवा दिया, मोबाइल भी लगवा दिया, डिटेल आ जाएगी मंडे को, बोलिए पुलिस वालों ने। मोटरसाइकिल एक करीब। और आप ये देख सकते हैं, ये बाइक है उनकी और बाइक से आए थे, बाइक उसी हालत में खड़ी हुई है, इसका मतलब पैदल कहीं निकले हैं, जहां भी निकले हैं पैदल ही निकले हैं। और परिवार वालों का इस समय बुरा हाल है, आप सोच सकते हैं। सॉरी, परिवार में दो बच्चे हैं और कमाने वाले यही थे? हाँ मैम, कमाने वाले बस यही है। क्या नाम आपका? सन्नी शुक्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। आपका क्या नाम? साहिल शुक्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। आप देख सकते हैं दो बच्चे हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, एक बच्चा 10th में है, एक बच्चा 12th में है, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, कमाने वाले अकेले राजेश जी थे। अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो इस खबर में नंबर आप बता दें जिस पर कॉन्टेक्ट करें। 8753369 01। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अभी एक खबर के ऊपर भी नंबर डालेंगे, अगर आपको एक बार फोटो फिर से दिखा दें, अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया जो नंबर इस खबर के ऊपर दिया जाएगा उस नंबर पर जरूर संपर्क करें। ये जो परिवार है इसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, और अकेला कमाने वाला जो इंसान था इनके परिवार का, वो दो दिन से लापता हो चुका है, जिसका कोई सुराग नहीं मिला है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।